अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से ये रिक्रूटमेंट कल आई है, तो इसके बारे में हम आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले इंडिया पोस्ट की तरफ से ग्राम डाक सेवक GDS की रिक्रूटमेंट आई थी, वो अलग है, और ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट है, ये अलग है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, अपना वीडियो देख लेते हैं क्या क्या पोस्टर्स इसमें आई हैं। तो इसमें लगभग 650 प्लस पोस्टर्स यहाँ पे एडवर्टाइज हो गई हैं। इसका अगर आप अप्लाई करने का प्रोसीजर आप देखो तो अप्लाई इसका बिल्कुल सारा ऑनलाइन होगा। तो लिंक इसकी 10 मई से स्टार्ट हुई है और 20 मई तक जो है इसकी लिंक चलेगी, यानी कल से लिंक एक्टिवेट हुई है और 20 मई तक जो है आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट जो है वो 10 से 20 मई के बीच में आपने करनी है। सबमिशन जो लास्ट डेट है वो 20 मई का है। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है 7 या 10 दिन के अंदर अंदर निकले, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर निकलेंगे जब आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे और डेट लास्ट खत्म हो जाएगी। उसके बाद इसका एग्जाम होगा, आपको एग्जाम जो है वो टेंटेटिव फिलहाल जून में है, लगभग जून 15-20 जून के आसपास आपका इसमें एग्जाम होने वाला है। तो पोस्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्राम डाक सेवक है, उसके बाद IPPS यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में है, ये बैंक की पोस्टर्स हैं, ये आपको पोस्ट ऑफिस में जाना नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे लगभग 650 पोस्टर्स यहाँ पे हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात अगर हम यहाँ पे करें तो एलिजिबिलिटी पे हम चलते हैं। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पे का अगर यहाँ पे पहले आप देखोगे, इसमें लगभग फर्स्ट सैलरी जो है आपकी 30,000 पर मंथ हो जाएगा, उसके बाद अलाउंस भी उसके साथ ऐड कर दी जाएंगी। तो ये फिलहाल जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ये 2 साल तक का रहेगा, उसके बाद एंगेजमेंट 2 साल तक की रहेगी, उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर आपकी जो परफॉर्मेंस सही रही बैंक में। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज लिमिट आपके पास होनी चाहिए 20 से 35 साल के बीच में, 30 अप्रैल 2022 तक, यानी 1987 से लेकर 2002 तक की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट आपके आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो BA BSc BCOM जो भी होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए GDS में, यानी ग्राम डाक सेवक में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर अगर आप यहाँ पे देखें, सिलेक्शन जो है वो आपको फॉर्म भरने के बाद आपका एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के बेस पे ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो एंट्रेंस का क्या सिलेबस वगैरह है वो भी आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें अवेयरनेस अबाउट IPBP प्रोडक्ट्स 20 क्वेश्चंस होंगे इसमें, उसके बाद जनरल बैंकिंग पेमेंट बैंक अवेयरनेस के 20 पॉइंट्स होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 होंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 होंगे, रीजनिंग के 15 होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 10 होंगे। टोटल 120 आपके पास पॉइंट्स होंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो जो इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको जो है GDS जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट है www.ippbonline.com, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आपको जो है अपना फॉर्म सबमिट कर देना। इसकी फी वगैरह जो भी होगी वो आपने सबमिट कर देनी है 10 से 20 मई के बीच में, उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा और इसके बाद आपकी सिलेक्शन की लिस्ट आ जाएगी। तो ये थे वीडियो जो हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की रिक्रूटमेंट के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। होपफुली आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कोई कंफ्यूजन इसके बारे में है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।